आए अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि ग्रुप अकाउंट्स में कहाँ कहाँ पर क्या क्या एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा अगेन बड़ा प्रॉब्लम है कि तीन कंपनियाँ हैं देखें और तीनों की बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2020 की दी हुई है। एप्पल, बनाना एंड चेरी। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शेयर इन बनाना लिमिटेड 1500 की कॉस्ट। अब यहाँ भी नोट करें, बनाना में इन्वेस्टमेंट की है एप्पल ने, और नीचे देखें शेयर इन चेरी एट कॉस्ट 850, ये बनाना ने चेरी में की है। अगेन वर्टिकल ग्रुप आ गया। क्लियर हो गई ये बात कि वर्टिकल ग्रुप में थोड़ी सी जाके प्रॉब्लम आती है। नेट करंट एसेट्स ऐड हो गए तो टोटल एसेट्स सर, और इसमें टोटल एसेट्स आपके आ गए और उसके में से लेस कर दें करंट लाइबिलिटीज़ और फिर लेस कर दें आप इसमें से लॉन्ग टर्म लोन्स, तो टोटल नेट एसेट्स आ गए। अब देखिए ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। देखिए वैसे तो नंबर ऑफ वेज लोग प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट को, यानी वर्टिकल की बजाय कॉलम्स में, एसेट इस साइड पर, लाइबिलिटी साइड पर, या एसेट इस साइड पर, लाइबिलिटी साइड पर, और वहाँ ग्रुप कर देते हैं नॉन करंट, करंट एंड सो ऑन। लेकिन एक ये भी है कि आप वर्किंग कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आप नॉन करंट एसेट्स अलग कर लें, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस ऐड ऑन कर लें नॉन करंट में, तो आपके टोटल नेट करंट एसेट्स आ जाते हैं। उसमें से अगर लॉन्ग टर्म माइनस कर दें तो इक्विटी आ जाती है। तो इसमें ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ की है आम क्वेश्चन से। शेयर कैपिटल, रिटेन प्रॉफिट ऑफ January 1, 2020 एंड प्रॉफिट फॉर 20। अगेन क्वेश्चन देखें सिंपल लगता है कि ज़्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन शायद इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन है। आगे देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एप्पल परचेज 60% शेयर कैपिटल ऑफ बनाना। तो एप्पल का 60% बनाना में होल्डिंग और सब्सिडी रिलेशन बन गया। एंड बनाना परचेज द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ चेरी ऑन 1 जनवरी, यानी 100%, यानी बनाना ने चेरी को 100% ओन किया हुआ है। तो ऑब्वियसली बनाना जो है वो होल्डिंग कंपनी तो बन गई ना चेरी की, लेकिन चूंकि बनाना इट्सेल्फ एप्पल की सब्सिडियरी है तो इसलिए फिर बनाना को अपने अकाउंट्स अलग से नहीं बनाने पड़े। देर वॉज अ टाइम जब हम जैसे बनाना और चेरी है ना, इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अलग बनाते थे, उसके बाद जो एप्पल है उसकी बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और बनाना को मिलाकर हम फाइनल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन दिस अप्रोच वॉज नॉट एनी मोर रिकमेंडेड। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, यानी पहले एक कंसोलिडेशन करें फिर दूसरी बात करें। उन्होंने एक वे आउट निकाला कि होल्डिंग कंपनी जो है वो सब्सिडरी और सब सब्सिडरी दोनों को मिलाकर एक प्रेजेंट करें, तो दैट इज सिंपल बेसिकली, लेकिन वो भी एक तरीका है। ऑन 1 जनवरी 2020 द बुक वैल्यू ऑफ बनाना फिक्स्ड एसेट्स आर 750 वाइल देयर फेयर वैल्यू इज 1.2 मिलियन। यानी इसमें आप क्लियरली नज़र आ रहा है तकरीबन कितनी फिगर बन जाएगी ये 450,000 की अप्रेजल है। तो इससे आपकी जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर है वो बढ़ जाएगी, उसको डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। अब ऑब्वियसली चूंकि ये आएगा तो इसका भी शेयर करना पड़ेगा, और ये 1 जनवरी की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये कि ये प्री एक्विजिशन रिवैल्यूएशन है, जब आपने खरीदा है उसकी बात हो रही है। अच्छा, चूंकि आपने इसको बढ़ाया है तो अकॉर्डिंगली आपको डेप्रिसिएशन में चेंज आएगी, और वो बता रहा है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इन द अकाउंट्स ऑफ बनाना फॉर 2020 वाज 150 एंड अप्रोप्रिएट चार्ज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू इज 240। यानी अगर आप पुरानी फिगर पर लेके जाते हैं तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है की थी 150 की, लेकिन चूंकि आपने इसको रिवाइज किया है तो अब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 240, और उसने की, तो इसका मतलब ये कि 90,000 की जो डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा है उसकी भी आपको एडजस्टमेंट डालना पड़े। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो ही चीज, एक ही दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि ये होल्डिंग सब्सिडी सब्सिडियरी है। नंबर टू, इसमें आपने अप्रेज किया है प्रॉपर्टी को और उस प्रॉपर्टी की वजह से आपके जो डेप्रिसिएशन में चेंज आई है उसको भी एडजस्ट करना है। तो जैसे मैंने कहा ना कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई चीज़ आ जाएगी, लेकिन पिछली चीज़ें भी साथ चलेंगी। एडजस्टमेंट्स में कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी कुछ आ सकता है।
The remaining assets of Banana and all the assets of Cherry are stated in balance sheet of those companies on 1st January 2020 were approximately equal to their fair value. यानी उसमें कोई चेंज नहीं करनी है आपको, सिर्फ चेंज आएगी आपकी नॉन करंट एसेट्स में और चेंज की है आपने डेप्रिसिएशन की फिगर में. तो लेट्स सी नाउ कि हाउ दिस विल बी टेकन केयर व्हेन वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स. थैंक यू जी.